जिस दामाद पर नाज किया करते थे धर्मेंद्र, जिस दामाद पर नाज किया करती थी हेमा मालिनी, जिस पति पर नाज किया करती थी ईशा देओल, उस दामाद उस पति के रोल में रियल लाइफ में बेहतरीन, बॉलीवुड से कभी ताल्लुक न रखकर भी बॉलीवुड में अपने चार्म की वजह से अक्सर रेड कार्पेट पर दिखने वाले भारत तख्तानी का आज रवैया अपनी पत्नी को लेकर इतना बदल चुका है कि वो परिवार के किसी सदस्य के साथ नहीं दिखते। परिवार के हर सदस्य का दिल टूट गया है। भारत और ईशा की तलाक की खबरें जब से आ रही है तब से ही भारत और ईशा के बीच की दूरियों ने सुर्खियों में बने रहने की कोशिश बरकरार रखी है। आज हमारे इस खास प्रोग्राम में इसी बारे में हम बात करेंगे। जी हाँ, ट्रेंडिंग बॉलीवुड में आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से। दोस्तों, मैं तृप्ति लेकर आई हूँ आज की स्पेशल रिपोर्ट, किसी और नहीं बल्कि ईशा देओल उनके हस्बैंड भारत तख्तानी को लेकर। क्या आपको मालूम है कि भारत जिनके गाल पर थप्पड़ जड़कर ईशा ने कभी सन्न कर दिया था भारत के दिमाग को, ये कहकर कि तुमने हिम्मत कैसे की मेरे हाथ को पकड़ने की। तब वो छोटे थे और फिर बड़े हुए, दोबारा इन्हें प्यार हुआ और फिर एक दूजे के लिए बन गए। भारत और ईशा की दो प्यारी प्यारी बेटियां भी हैं। ऐसे में भारत और ईशा के तलाक का गहरा असर उनकी बेटियों की जिंदगी पर भी पड़ सकता है। लेकिन देओल परिवार का सपोर्ट ईशा के साथ है, इसलिए ईशा को इस मुश्किल घड़ी में परिवार का सपोर्ट हमेशा मिलेगा। ये बात तो निश्चित तौर पर सही है, शत प्रतिशत। आज दोस्तों इस शो में हम आपको ये बताएंगे कि भारत तख्तानी ने कैसे देओल परिवार के नियम कायदों को तोड़ा। आज तक देओल परिवार में किसी का तलाक नहीं हुआ। धर्मेंद्र ने अपनी पत्नी प्रकाश को तलाक दिए बिना ही हेमा मालिनी से दूसरी शादी रचाई थी। सनी और पूजा सेपरेटेड रहते हैं लेकिन कभी इन्होंने तलाक नहीं दिया। बॉबी और तानिया के बीच भी खटपट रही लेकिन तलाक तक इनका रिश्ता कभी नहीं पहुंचा। ऐसे में सनी और बॉबी की प्यारी छोटी सिस्टर बॉलीवुड की क्यूट चबी एक्ट्रेस ईशा का तलाक तक रिश्ता पहुंच जाना परिवार के लिए बहुत बड़ा झटका से कम नहीं। बड़ी मुसीबत में इस वक्त देओल फैमिली पड़ गई है क्योंकि रिसेंटली जितने इवेंट्स हुए उसमें हेमा मालिनी अपने छोटे दामाद वैभव के साथ नजर आई या फिर बड़ी बेटी ईशा के साथ। लेकिन धर्मेंद्र अकेले पहुंचे तो उनके साथ सपोर्ट के लिए भारत तख्तानी भी नहीं पहुंचे और ना ही हेमा मालिनी के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए भारत अपनी पत्नी को लेकर पहुंचे। सवाल बड़ा है कि वजह क्या है? क्या वाकई में भारत के अंदर वो एटीट्यूड आ गया है हजारों करोड़ की कमाई की वजह से, जिसकी वजह से वो बाकियों को तुल नहीं दे रहे? एक और आपको बताना चाहेंगे हमारी इस रिपोर्ट में बात, भारत तख्तानी को बॉलीवुड इंडस्ट्री में काम न भले ना करते हो आपने देखा हो, लेकिन बॉलीवुड में बिजनेसमैन भारत तख्तानी के लिंकअप जरूर थे। वहीं हेमा मालिनी तो भारत के साथ कई तरह के ज्वेलरी से जुड़े एडवर्टाइजमेंट्स और ऑर्गेनाइजेशंस में इवेंट्स का हिस्सा भी बनी है। हेमा मालिनी भारत के लिए क्या नहीं किया उन्होंने, लेकिन अफसोस भारत जिसे अपना बेटा मानकर इतने दिनों से बड़े ही शान के साथ घुमा करती थी हेमा मालिनी। धर्मेंद्र जो अपनी बेटियों के सेटल्ड होने से बहुत संतुष्ट थे और इसलिए उन्होंने फार्म हाउस में रहने का फैसला लिया, उन्हें भी इससे बहुत बड़ा झटका तो लगा ही होगा। चलिए हम जानते हैं क्या वजह है कि धर्मेंद्र और हेमा मालिनी को झटका दे गए भारत तख्तानी। देखिए रिपोर्ट। दरअसल ये अब तक नहीं पता चल पाया है कि भारत तख्तानी ने ईशा देओल को धोखा क्यों दिया, क्योंकि ईशा और भारत ने अब तक अपने रिश्ते के अंत को लेकर ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं किया है कि उन्होंने तलाक ले लिया है। लेकिन एक बात हम आपको पक्के तौर पर बता दें, भारत की ओर से ईशा के साथ उनके रिश्ते अब भी सोशल मीडिया पर बरकरार नजर आए हैं। ईशा भले भारत के साथ न रह रही हो, लेकिन ईशा देओल के साथ अपने सारे यादगार लम्हों को अब तक अपने दिल से लगा कर रखे हुए हैं भारत तख्तानी। वैसे आपको बता दें कि नए रूप में नजर आ रही ईशा देओल अपनी मां हेमा के साथ ही ज्यादा वक्त गुजार रही हैं।
ईशा ने अपना घर छोड़ दिया है और हेमा मालिनी के साथ वो रह रही हैं। हेमा मालिनी के साथ ही उन्हें ज्यादातर स्पॉट किया गया है, यानी किससे पता चलता है कि ससुराल छोड़कर वो आ गई हैं अपने मायके हेमा मालिनी के पास। अब सवाल ये है कि हेमा मालिनी के पास अगर आ गई हैं ईशा देओल तो क्या रिश्ते तोड़कर ही वो आई हैं या फिर सिर्फ और सिर्फ नाराजगी है दोनों के बीच। बता दें हम आप सबको कि ईशा देओल और भारत तख्तानी चाइल्डहुड लव बर्ड्स थे। इनके शादी के वक्त धर्मेंद्र और हेमा मालिनी खूब रोए थे, लेकिन धर्मेंद्र को भारत तख्तानी बहुत पसंद आए थे, इसलिए इनकी शादी हो पाई। क्योंकि भारत ईशा से शादी के लिए जब उनके परिवार से मिले तो भारत ने धर्मेंद्र के मन में अलग प्रकार का इम्प्रेशन बनाया था, लेकिन जब से ईशा और भारत के तलाक की खबरें आई हैं, जब से ये दूर हुए हैं, तब से ही हेमा और धर्मेंद्र भारत से दूरी बना रहे हैं। भारत तख्तानी ने वाकई में पूरे देओल परिवार का घमंड तोड़ा है। आज तक देओल परिवार में किसी का तलाक नहीं हुआ, लेकिन तलाक तक ईशा और भारत का रिश्ता पहुंच गया है, जिससे वाकई में देओल परिवार काफी बड़ा झटका महसूस कर रहा है। धर्मेंद्र ने जब हेमा से शादी की थी तो उन्होंने दूसरा धर्म अपनाया था, लेकिन पहली पत्नी को उन्होंने तलाक नहीं दिया। सनी देओल ने भी कई तरह के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के बीच सुर्खियां बटोरी, लेकिन कभी भी उन्होंने अपनी पहली पत्नी को पूजा को तलाक नहीं दिया। बॉबी तानिया के बीच भी रिश्ते में उतार चढ़ाव आए, लेकिन इन्होंने भी तलाक नहीं लिया कभी भी। रिश्ता और मजबूत हुआ वक्त के साथ। ऐसे में अगर ईशा का भारत से तलाक होता है तो वाकई में देओल परिवार में सदियों से जो रीति रिवाज चले आ रहे हैं तलाक न लेने के, वो रिवाज टूट कर बिखर जाएंगे। सवालों में इस वक्त भारत तख्तानी को लेकर ईशा के पोस्ट से हैं। क्रिप्टिक पोस्ट कर रही ईशा देओल ने भारत के साथ इंस्टाग्राम पर अपनी तमाम तस्वीरें हैं जिसे हटाकर ये साबित कर दिया है कि वो वाकई में बहुत ही ज़्यादा नाराज हैं इस वक्त अपने पति से। सवाल ये है कि क्या वजह है कि ये दोनों एक दूसरे से नाराज़ चल रहे हैं। ईशा आखिर भारत से इतनी नाराज़ क्यों हैं? तो लगा बताया जा रहा है कि ईशा दरअसल इसलिए नाराज़ है क्योंकि उन्होंने भारत को किसी और के साथ पकड़ा है, शायद कहीं ना कहीं कोई तीसरा रिश्ते में आ गया है। इसके अलावा ईशा वाकई में अपने घर छोड़कर आई हुई हैं क्योंकि वो अपनी बहन आहाना के साथ भी स्पॉट की गई, लेकिन उन्होंने अभी तक अपनी बहन और अपनी मॉम के साथ तो वक्त गुजारा, लेकिन वो अपने पति के पास घर नहीं लौटी है। रिसेंट की तमाम तस्वीरें जो ईशा देओल की इंस्टाग्राम पर नजर आई हैं उनमें ईशा के हस्बैंड भारत नहीं लेकिन बाकी सभी परिवार के मेम्बर्स उनके साथ नजर आए हैं। सिर्फ और सिर्फ ईशा देओल के साथ उनके हस्बैंड ही उनके तस्वीरों में नजर नहीं आ रहे हैं। तो असली रिपोर्ट भारत और ईशा के तलाक को लेकर आने की वजह क्या है ये आपने जाना, असली वजह इनके सेपरेशन की क्या बताई जा रही है आपने सुना। अब इसी के साथ वक्त हो चला है आपसे इजाजत लेने का। इस शो में आज इतना ही, फिर लौटेंगे लेकर तमाम बॉलीवुड की खबरें। देखते रहें तब तक के लिए नेक्स्ट 9 लाइफ। नमस्कार।